नहीं चलेगी। केसीआर की दादाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। टीआरएस पार्टी की दादाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। टीआरएस की दादाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। केडीआर की दादाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। केडीआर की दादाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हरीश राव की दादाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हरीश राव की दादाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कविता अम्मा की दादाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कविता की दादाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हमसे जो टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा, हमसे जो टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा। संजना संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। संजना संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अभी अभी कौन मरा? केसीआर मर गया। जीवन केसीआर, राम राम। केसीआर, राम राम। केसीआर, राम राम। सीएम, राम राम। सीएम, राम राम। सीएम, राम राम। सीएम, राम राम। भारत माता की जय, जय श्री राम। मैं आप सबका भाई नितिन नंदकर, BJYM सिटी प्रेसिडेंट हैदराबाद। आज भारतीय जनता पार्टी गोलकुंडा जिला के अध्यक्ष वी पांडु यादव जी के नेतृत्व में भारतीय जनता युवा मोर्चा गोलकुंडा जिला की टीम ने जगह जगह पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव के पुतले जलाए गए, कई जगहों पर शांतिपूर्वक दीक्षा किया गया। आज तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव से भारतीय जनता युवा मोर्चा एक सवाल पूछना चाहती है कि कोविड के रूल्स और रेगुलेशन हम बराबर फॉलो कर रहे, मास्क लगाकर हमने दीक्षा पे बैठने का काम किया, लेकिन तेलंगाना के मुख्यमंत्री को ऐसी क्या वजह हुई कि करीमनगर में कल भारतीय जनता युवा मोर्चा के ऊपर लाठीचार्ज करने का काम किया गया, महिलाओं के ऊपर लाठीचार्ज करने का काम किया गया। करीमनगर में भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में घुसकर दरवाजे को जबरन तोड़कर भारतीय जनता पार्टी के तेलंगाना के अध्यक्ष बंडी संजाना को अरेस्ट करने का काम किया गया। क्या शांतिपूर्वक तेलंगाना की पुलिस वहां पर अरेस्ट नहीं कर सकती थी? जानबूझकर कार्यकर्ताओं को मारा गया, कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठीचार्ज की गई, कार्यकर्ताओं के ऊपर केसेस बुक किया गया। मैं तेलंगाना के पुलिस डिपार्टमेंट से पूछना चाहता हूं, इतनी शक्ति, सच्ची श्रद्धा और निष्ठा से आप यहां पर काम कर रहे, तो तेलंगाना में एक बोदान का MLA है जिसका नाम सलीम है, जिसने भारतीय जनता पार्टी के एक लीडर को सर काटने की बात कही, जिसने खुलेआम मीडिया के सामने उसको नरकेस्ता बोल के कहा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को वार्निंग दी, तेलंगाना के बंडी संजय को अपशब्द कहे गए। अरे अगर डालना ही है, इतनी जिम्मेदारी के साथ तेलंगाना की पुलिस काम कर रही, तो सलीम जो MLA है बोदान का, पहले उसको अंदर डाले। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से MLA सलीम को ये मेरा जवाब है नितिन नंदकर का, तुम मार देते, तोड़ देते, नरकेस्ता बोल रहे, क्या हम क्या चूड़िया पहन के बैठे? हाँ, चूड़िया पहन के बैठे। आओ, मैं जामबाग में रहता हूं, जामबाग में नितिन नंदकर रहता, पहले मेरे से मुकाबला कर, बाद में भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स के बारे में कर। अगर इतना दम है तेरे में, वाकई में तेरे में, वाकई में तू लड़ने झगड़ने की बात कर रहा, तो जामबाग में कहीं पर भी आ, तू शहर में कहीं पर भी बुला, तू नितिन नंदकर आने के लिए तैयार है और सलीम के जवाब देने को भी तैयार है। जिस तरह से जवाब होना बोले उस तरह से जवाब देंगे। बोदान का MLA सलीम, कान खोल कर सुन, मुंह को संभाल के बात कर, हम जिम्मेदारी के साथ बात कर रहे, जिम्मेदारी के साथ बात करना। आड़ी टेढ़ी बात करे तो आड़ी टेढ़ी भी बात करने आता, सीधी बात करे तो सीधी भी बात करने आता। MLA है, इसका मतलब ये नहीं कि जैसा बोले वैसा बोल दिया और हम सुन लिए, हम भी चूड़िया पहन के रह बैठे बाबा, तुम्हारा जवाब देंगे। और तेलंगाना की पुलिस से भी मेरा यह सवाल है, ऐसे लोगों को खुलेआम जो मीडिया के सामने सर काटने की बात कर रहे, पहले इनको अंदर डालो, क्योंकि ताकि तेलंगाना की जनता को यह भरोसा है कि जो लोग सर काटने की बात कर रहे, जो पावर के
होश में हताश हो चुके ऐसे लोगों को अगर अंदर डालेंगे तो तेलंगाना के पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर अच्छा मैसेज जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी और तेलंगाना के मुख्यमंत्री ये कान खोल कर सुन ले, तुम लाठियों से मारना है मारो, केसेस डालना है डालो, जेल में डालना है डालो। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, तेलंगाना में हजारों लाखों कार्यकर्ता अपने आप को बंडी संजय अन्ना समझता है। तुम एक बंडी संजय अन्ना को अंदर डालेंगे, हजारों लाखों बंडी संजय अन्ना आज भारतीय जनता पार्टी के रूप में यहां पर काम कर रहे। अगर डालना ही है तो हमें भी डालो, हम भी स्वागत करते, तुम्हारे साथ मुकाबला करने के लिए तैयार है। ना तुम्हारी पुलिस की लाठियों से, तुम्हारे पुलिस की जेल से, तुम्हारी सलाखों से, तुम्हारे केसेस से डरने वाला भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है। खुलेआम कह रहे, जनता के हित में लड़ रहे, युवाओं के हित में लड़ रहे, नौकरियों के हित में लड़ रहे, जनता को नौकरियां देने के लिए लड़ रहे। और जिस तरह से कल बंडी संजय अन्ना दीक्षा पे शांतिपूर्वक जीओ 17 को फेरबदल करने की कोशिश किए, उसके ऊपर बराबर लड़ेंगे। जिसको रोकना है रोक लो, लेकिन हम रुकने वाले नहीं है और झुकने वाले नहीं है और तुम्हारा मुकाबला करने के लिए तैयार है। जय हिंद, जय श्री राम, जय विजय भैया।